रोहतक से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां करवा चौथ वाले दिन प्रेमी से मिलने गई थी एक युवती, जिसकी दिल्ली की युवती की हत्या कर शव को खेतों में दबा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को मदीना गांव के खेतों में लेकर पहुंची और निशानदेही पर खुदाई करवाई गई और निकाला गया शव। मृतका का नाम सोनी है, उम्र तकरीबन 20 साल है, नांगलोई की रहने वाली थी। पुलिस ने अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया है। बता दें, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये शव निकाला गया है। आपको बता दें, करवा चौथ वाले दिन प्रेमी से मिलने गई थी, जहां पर युवती की हत्या कर दी गई। फिलहाल रोहतक पुलिस और दिल्ली पुलिस इस मामले में कई एंगलों से जाँच कर रही है। आप देख रहे हैं रोहतक ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम नवीन है भाई, गांव मदीना है। अच्छा, क्या था यो घटनाक्रम? यो था भाई, तड़के हम युगराड मंदिर में आ जा रहा बाबा दो रहे जोत बत्ती करवा जा, वहां तो पुलिस आ रही थी। पुलिस ते पता लगा कि यहाँ लड़की मार के दबा रखी है, और जो लड़की के दो भाई थे, हमने उनसे भाई पूछी, भाई भाई चाय पानी कुछ रोटी टूका, तो हम उनके साथ हम 5-10 मिनट बैठे थे, तो उनते पता लगा कि लड़का मुसलमान था भाई, और जो लड़की थी ना वो हमारी बहन थी, उसका नाम सोनी था लड़की का नाम, और दिल्ली रेलवे स्टेशन के ये रहने वाले थे, नांगलोई दिल्ली में जो पड़ा रेलवे स्टेशन वहां के रहने वाले थे। और भाई जो भी होया बड़ी दुखद घटना थी, गलत होया है। कद की घटना बता रहे, कब लेके आए थे? उनसे ये पता लगा भाई, उसके भाई बता रहे थे, करवा चौथ व्रत वाले दिन की बात थी कि लड़की घर से गई थी, भाई ने मना भी किया था अगर मत जाओ भाई, तो वो चली गई, तो लड़का बोला भाई मैंने कमरा ले रखा अलग से, अपने घर का अलग तुम्हें रख लूंगा। बोला मेरे पास सामान नहीं है। बोला के सामान नहीं, वो बेड नहीं है, ये गैस चूल्हा नहीं है, लड़की का भाई बताने वाला है भाई हमको, तो बोले हमने वो सामान भी दिलाया भाई। उसके बाद लड़की का कोई संपर्क नहीं हुआ उनका। घटना का तो भाई उनको भाई हर दबेरा लागे, उनने फिर इस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। करवा चौथ का व्रत देख लो भाई कब का था, उस दिन गई है लड़की, उसी दिन की उसके भाई हर जो घटना बता रहे थे भाई। और भाई हम तो समाज का एक संदेश देना चाहवा, खासकर जो लड़कियां हैं भाई, नई नई लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत ने देख कर चल, और मतलब की इस तरह के गलत कदम ना उठाव। फेसबुक पर लाले कई आदमी टाइम पास ना होता जब देख, तो इस तरह के जुकर घने मामले हो रहे हैं भाई। तो दिल्ली पुलिस भी थी भाई, हरियाणा पुलिस भी थी, और हमारे प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब भी थे, फोरेंसिक टीम भी थी, हर एक तरह का अधिकारी आ रहा था, सब ने भाई अपने जो डेड बॉडी खोद के निकाली भाई, 4 से 5 फीट का खड्डा में उन्होंने दबा रखी थी। तो कितने आरोपी भी आ रहे थे? हाँ, दो आरोपी थे भाई, तीसरा फरार हुआ, हमारे गांव का भांजा बता रही, मदीना गांव का भांजा, तो इसलिए वो लेके आए थे वो भांजा। हाँ, जो भांजा था वो उसके तहत ही यहाँ पहुंचे थे दबाने के लिए, उसने यही बता रहे थे भाई इसके जो लड़की के भाई है, हम तो उन्हें ये पास 5-10 मिनट, उसका नाम पता नहीं पता भाई, इनका भी नहीं भाई कुछ नाम पता लगा, एक लड़का मुसलमान मुसलमान है, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब कि लाइफ पार्टनर लगा ले भाई, शादी अब तक हुई नहीं थी, गर्भवती 6 से 7 महीने गर्भवती थी।